Welcome to our science class. Our today's topic is types of breathing in animals. Animals need to breathe to get oxygen. Oxygen is needed to burn the food to release energy. This energy is used by the animals to do different functions. Different animals breathe through different types of breathing organs as given below. Animals breathe to get oxygen. Oxygen लेने के लिए animals breathe करते हैं, सांस लेते हैं. Oxygen फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज़ करती है, मतलब वे जो भोजन करते हैं उसको बर्न करती है, जला देती है और एनर्जी रिलीज़ करती है. ये एनर्जी एनिमल अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपने डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए इस एनर्जी को यूज़ करते हैं. एनिमल्स के ब्रीथ करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. कुछ ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर देयर. ओके, फर्स्ट इज बॉडी सर्फेस. बॉडी सर्फेस, अपने शरीर की सतह से कौन ब्रीथ करता है? अमीबा, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वन सेल्ड. ओके, एंड देन दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. गिल्स से कौन ब्रीथ करता है? FISH, फिश एंड टेडपोल्स, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. ओके, नाउ लंग्स. वी ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. ओके, स्किन. स्किन से कौन ब्रीथ करता है? कुछ इंसेक्ट्स स्किन से ब्रीथ करते हैं, वो फ्रॉग्स स्किन से ब्रीथ करते हैं. ओके, और स्पाइरकल्स, SPIRACLES. स्पाइरकल्स आर होल्स. ओके, स्पाइरकल्स आर होल्स इन द ओपनिंग्स और होल्स इन द बॉडी. ओके, ओपनिंग्स या होल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइरकल्स. स्पाइरकल से कौन ब्रीथ करते हैं? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि स्पाइरकल्स से ब्रीथ करते हैं. ओके, तो हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या क्या हैं? बॉडी सरफेस से अमीबा ब्रीथ करता है, एक छोटा वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, गिल से फिश टेडपोल, लंग से ह्यूमन बीइंग, स्किन से फ्रॉग्स, मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है. आपने पढ़ा होगा फ्रॉग्स जो हैं वे लंग से और मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं. ओके, और अर्थवॉर्म भी स्किन से ब्रीथ करते हैं. स्पाइरकल्स, इंसेक्ट्स स्पाइरकल्स से ब्रीथ करते हैं. दिस इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द बॉडी. इंसेक्ट्स की बॉडी में एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं स्पाइरकल्स. ओके, स्किन से अर्थवॉर्म भी ब्रीथ करता है. ओके, दीज आर द ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. डिपेंडिंग ऑन देयर कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी, दी एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स, लाइक अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म एंड स्नेल एक्सेट्रा. Vertebrates, animals with backbones are known as vertebrates, like cat, dog, bird, snake, fish, human beings, etc. अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, बॉडी की कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एनिमल्स जो हैं वे दो भाग में डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्री और वर्टिब्री. एनिमल्स जिनमें बैकबोन, इनवर्टिब्री जिसे हम हिंदी में मेरुदंड बोलते हैं, वर्टिब्री जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, जिनके शरीर में बैकबोन्स या मेरुदंड नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्री. और कौन कौन से होते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स? दे आर अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म एंड स्नेल एक्सेट्रा. वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विच आर हैविंग बैकबोन, विच हैव बैकबोन आर नोन एज वर्टिब्रेट्स. मीन्स जिन एनिमल्स में मेरुदंड होता है उन्हें वर्टिब्रेट बोलते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक, फिश, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा. लेसन, लेट अस लर्न मोर अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. इंसेक्ट्स, दीज आर स्मॉल क्रिएचर्स विद सिक्स लेग्स ईच एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स. All insects have two feelers called antennae on their heads. Antenna on their heads. Some insects are useful to mankind, like butterfly, which helps in pollination. Silk moth helps in making silk. Honeybee help in making honey. कुछ insects जिनके six legs होते हैं और wings होते हैं, उन्हें हम छोटे छोटे small creatures, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिन्हें हम insects बोलते हैं. अब सभी insects में two feelers होते हैं जिनसे ये महसूस करते हैं. ओके, इन्हें हम बोलते हैं एंटीना. ओके, ये इनके हेड में होता है. ओके, कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई. ये हमें पॉलिनेशन में मदद करती है. कैसे मदद करती है पॉलिनेशन में? पॉलन ग्रेन्स बटरफ्लाई से चिपक जाते हैं, फिर जब बटरफ्लाई दूसरे फ्लावर में जाती है तो उन पॉलन ग्रेन्स को वहाँ पर गिरा देती है.
इस तरह से ये हमारी मदद करती है। ओके, तो स्टेमेन और पिस्टिल ये आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में या पिछले चैप्टर में। ओके, बटरफ्लाई हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ओके, पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र कर देती हैं जिनसे कि उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। सिल्क मॉथ सिल्क बनाने काम आता है, हनी भी हनी बनाने के काम आती है। वर्म्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स, सम आर यूजफुल टू अस लाइक अर्थ वर्म्स, सम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज, राउंड वर्म, टेप वर्म। कई तरह के वर्म्स होते हैं कीड़े, जैसे कि अर्थवॉर्म, वे हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है अर्थवॉर्म, क्योंकि ये हमारे सॉइल को फर्टाइल करता है, उपजाऊ बना देता है। अर्थवॉर्म से खाद भी बनती है। ओके, और कुछ हार्मफुल भी होते हैं वॉर्म्स, जैसे कि राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, फीता कृमि और गोल कृमि वगैरह, ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हमारे भोजन को और ब्लड को सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिश। You might have seen fish in an aquarium. Did you notice the shape of its body? It is wide in the middle and narrow at the ends. Its body shape is known as streamlined body, which helps it to swim easily in water. It has fins to swim and to change the direction. If you carefully watch the fish in the aquarium, you will notice it opening and closing its mouth all the time. This is how the fish breathes. Water goes in through the mouth and comes out through the gills. The gills take oxygen from water and pass it into the blood. Some types of fish swim in their own groups. We call these groups of fish as schools. They move in groups to stay safe. Fish, आपने fish को aquarium में देखा होगा, उसकी streamlined body होती है। Streamlined means आपने देखा होगा बीच से ये broad होती है, बीच से broad होती है और किनारे किनारे ये जो है कोने में पतली होती है, बीच से broad होती है। इसी body को हम बोलते हैं streamlined। इसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ओके, और इनमें फिन्स होते हैं जो कि इनको स्विम करने के लिए मदद करते हैं और डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। इनमें फिन्स होते हैं, हेयर, ये जो फिन्स होते हैं ये हैं फिन्स, इनको स्विम करने में मदद करते हैं और डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। ओके, सी आप देखते होंगे कि ये हमेशा अपना मुँह खोलती और बंद करती रहती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये मुंह जब खोलती हैं तो क्या होता है, पानी इनके अंदर चला जाता है, फिर वो पानी गिल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। उस पानी की ऑक्सीजन को ये अंदर ले लेती हैं, वो ऑक्सीजन इनके ब्लड में चला जाता है। ओके, बार बार ये अपना मुंह खोलती बंद करती क्यों करती हैं? ये सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। उसमें क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है और उस पानी से ऑक्सीजन ले करके ब्लड में चला जाता है और फिर गिल्स से वो पानी बाहर आ जाता है। ये फिशेज ग्रुप में कभी कभी मूव करती हैं, स्विम करती हैं एक ग्रुप में, मतलब झुंड बना के स्विम करती हैं। इनके ग्रुप को हम बोलते हैं स्कूल्स। ओके, ये इसलिए भी मूव करती हैं ग्रुप में जिससे कि वे सेफ रहें, मतलब सुरक्षित रहें। ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एम्फीबियंस। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू चिल्ड्रन।